गांव में पेयजल वितरित करने वाले सरकारी कुएं में एक अज्ञात मोटरसाइकिल वाहन मिला है, जिसे बड़ी मशक्कतों के बाद बाहर निकाला गया। गांव के मुंशी तालाब स्थित सरकारी कुएं में रविवार की सुबह जब वाटरमैन मोटर चालू करने पहुंचा तो 40 फीट गहरे कुएं में एक मोटरसाइकिल वाहन पानी में डूबा दिखाई दिया, जिसके बाद पंचायत कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। मजदूरों एवं ग्रामीणों की सहायता से कुएं में उतर कर गाड़ी में रस्से बांध कर बड़ी मशक्कतों के बाद वाहन को कुएं से बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि सरकारी कुआं मुंशी तालाब के नीचे झाड़ियों के बीच में स्थित है तथा वाहन जाने का रास्ता भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि वाहन कुएं में पिछले कई दिनों से पड़ा होगा। कुएं में जल का स्तर कम होने पर लाल कलर का यह दो पहिया प्लेटिना वाहन दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन जब्त किया है, जांच की जा रही है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।